नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे हरे प्याज और आलू की सब्जी, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 500 ग्राम हरा प्याज। इसका वाइट वाला हिस्सा अलग कर लेंगे, हरा वाला हिस्सा अलग कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने वाइट वाले हिस्से को अलग प्लेट में रख दिया है। अब हम इसकी हरे पत्तियों को काट लेंगे। तरीके से हम बारीक इसको काट लेंगे। उसके बाद में हम व्हाइट वाले हिस्से को भी काट लेंगे। दोनों कट चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसमें इस तरीके से हम काट लेंगे। अब हम यहाँ पे दो आलू मीडियम साइज के लिए हैं, उसको भी हम इस तरीके से काट लेंगे छोटे टुकड़ों में। हम इसमें दो टमाटर डालेंगे और तीन हरी मिर्च। मसालों में धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बाकी दो कटे हुए आलू और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक चम्मच जीरा और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे और उसमें हम पहले आलू को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी बचे हुए तेल में हम डाल देते हैं जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम आधा मिनट तक भूनेंगे। इसमें हम थोड़ा सा कटे हुए प्याज को डाल देते हैं। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है हमें। इसमें हरी मिर्ची भी डाल देते हैं और दो लाल मिर्ची डाल देंगे इसमें। इस तरीके से हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, देख सकते हैं। अब इसका कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है धीरे धीरे। इसमें हम डाल देते हैं टमाटर, नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। मिक्स करके हम इसे आधे मिनट तक टमाटर को पकाएंगे, ढक करके पकाएंगे। अब चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं टमाटर गल चुका है लगभग। ऐसे हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेंगे मसाला को। उसके बाद में हम इसे ढक करके 30 सेकंड तक पकाएंगे। फिर बीच में हम इसको चेक कर लेंगे, मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें जो कटा हुआ हरा प्याज है उसको डाल देंगे। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को और प्याज को एक में। अब ये मिक्स हो चुके हैं, इसको हम ढक करके 2-3 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे, फिर हम देखेंगे। तो देखिए प्याज का क्वांटिटी एकदम कम हो गया है, जो हरा पत्ता होता है वो गल जाता है। अब हम इसमें जो आलू था उसको डाल देंगे। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर बनाएं और हेल्दी भी होती है। हरा सब्जी तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं सब्जी बन चुकी है, बहुत ही कम मसालों में ये बन जाती है सब्जी। कम मसाला इसमें होता है और हेल्दी भी होता है, इसलिए इस सब्जी को ज़रूर बनाएं। रेडी है हमारा सब्जी खाने के लिए। हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और हम इस पर थोड़ा सा हरा प्याज ही स्प्रिंकल कर देते हैं।